दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे शुगर शेयर के बारे में। आज के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें शुगर शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ हमें एक न्यूज़ भी देखने को मिल रही है जिसका असर हमें आज शुगर शेयर्स पे भी देखने को मिला। टाइम को वेस्ट किए बिना सीधा आपको लेकर चलता हूँ उसकी न्यूज़ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो शुगर प्राइस टम्बल एज मानसून रेन्स अराइव इन इंडिया एंड ब्राजिल शुगर आउटपुट राइज। दोस्तों, इंडिया में मानसून आता हुआ देखने को मिला, उसी के साथ हमें ब्राजिल की जो शुगर आउटपुट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली, जिसके कारण जो शुगर का प्राइस है वो हमें 6 वीक के लो स्तर पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इसका असर जो आज हमें शुगर शेयर्स पे भी देखने को मिला है। दोस्तों, अब आपके क्वेश्चन ये निकल के आ रहे हैं कि क्या हमें आने वाले समय में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी न्यूज़ पहले भी हमें देखने को मिलती है। कभी कभी शुगर का प्राइस ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है, जैसे आउटपुट बढ़ती हुई देखने को मिलती है वैसे शुगर का प्राइस डाउन जाता हुआ भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी की बात करें, हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन पिछली बार जब शुगर के प्राइस की बात करें काफ़ी ज़्यादा डाउन आते हुए देखने को मिले, तब ISMA की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई थी कि इस पर कोई असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि इंडिया इथेनॉल पर भी काम करता हुआ देखने को मिला। जो शुगर के प्राइस डाउन जाते हुए देखने को मिले थे वो इथेनॉल उस पर स्टेबल करता हुआ देखने को मिलता है। इथेनॉल बनाने वाली कंपनियाँ, उनको ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिला था। ऐसे ही आज की बात करें, हमें शुगर के प्राइस डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो इथेनॉल पे काम करती हुई कंपनियां देखने को मिलती है जैसे शेयर इनका शुगर, वो इन पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल की डिमांड हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती जा रही है और इथेनॉल अगर शुगर के प्राइस डाउन जाते हुए देखने को मिलते हैं तो उसी के साथ इथेनॉल उनका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल करने में उनकी मदद करता है, जो हमें पिछली बार भी देखने को मिला था। तो जाते जाते यही बोलूँगा, अगर आपने इथेनॉल के शेयर को बाय करके रखा है जो बाई शुगर पर भी काम करती हुई देखने को मिलती है और इथेनॉल पर भी, तो उन शेयर को लॉन्ग टर्म रखने की कोशिश करिए। उन शेयर को 3 से 4 साल दीजिए ताकि आप उन शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाएँ, जैसे इथेनॉल की डिमांड के बाद एक अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहा है। तो जाते जाते यही बोलूँगा, अगर आपके पास शुगर शेयर्स हैं जो इथेनॉल पे काम और उसी के साथ बाई शुगर पे काम करते हुए देखने को मिल रहा है, उन शेयर को एग्जिट मत कीजिए। जो बाई शुगर पे काम करते हुए देखने को मिलते हैं अकेले, उन पर आप ध्यान रख सकते हैं, उन पर क्वार्टर रिजर्व पर ध्यान रखिए ताकि आप उन शेयर से एक अच्छा खासा लॉस ना ले पाएँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।